ओके, अब हम करेंगे इंग्लिश कोर्स बुक। आपको कोर्स बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 28। 28 हमको ओपन करना है। इसमें हम देखेंगे नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। ये हमारे फैमिली मेंबर्स के नेम दे रखे हैं। इसमें हमको क्या करना है, इसको फिल करना है। जैसे ये कौन है, ग्रैंडफादर है, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर लिखना है। यहाँ पर ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल और आंट। इस तरह से हमको ये पूरा कंप्लीट करना है, इसको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे पेज नंबर 29। यूज एम, इज एंड आर। इसमें हम कहाँ पर किसका यूज करते हैं। एम का यूज आई के साथ करते हैं, इस का यूज ही इट के साथ करते हैं, और आर का यूज यू आर एंड दे के साथ करते हैं। नेक्स्ट हम इसको करेंगे कंप्लीट, शी इज माई सिस्टर। यहाँ क्या आएगा, शी के साथ इज, यहाँ पे बता रखा है ना, शी के साथ इज। इसी तरह से आई, आई एम 6 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई के साथ एम। यू आर, यू के साथ क्या आएगा, आर, तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये आपको रीड करके कंप्लीट करना है। दे आर माई फ्रेंड, वी आर पेंटिंग। देखो वी के साथ आर आ रहा है ना। इट इज माई टॉय। आई एम गोइंग टू द मार्केट। शी इज अ पुलिस मैन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि शी, आई, यू, दे, वी, इट, आई और ही के साथ हम क्या यूज करते हैं। यहाँ पे हमको बता रखा है यूज एम विथ आई, इज विथ ही, शी, इट, यूज आर विथ यू, वी एंड दे। जिस तरह से हमको यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी दे रखे, एग्जाम्पल के लिए, आई एम हंग्री, टूडे शी इज वेरी टायर्ड, वी आर अ फैमिली ऑफ थ्री पीपल। इस तरह से हमको ये कंप्लीट करना है। ओके,